जनपद सीतापुर से पहली खबर है। आपको बता दें कि जनपद सीतापुर के जिला कारागार में सपा नेता आजम खान की रिहाई हो गई है। आजम खान पिछले 814 दिनों से जिला कारागार सीतापुर में बंद थे और कल उनको आखिरी मामले की अंतरिम जमानत मिली थी। आज उनकी सुबह 8 बजे के बाद रिहाई हो गई है। सुबह से ही जिला कारागार में उनके समर्थकों का जमावड़ा लगने लगा था। वहीं आजम खान के दोनों बेटे आजम खान को लेने के लिए जिला कारागार पहुंच चुके थे। उसके बाद शिवपाल यादव, सपा विधायक मलिक, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व कारागार मंत्री रामपाल राजवंशी, सपा विधायक अनिल वर्मा समेत हजारों समर्थकों ने जिला कारागार पहुंचकर आजम खान से रिहा होने के बाद मुलाकात की। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच आजम खान का काफिला रामपुर के लिए रवाना हो गया। कोई खास बात नहीं हुई, असल में हमारी तबीयत नहीं ठीक थी तो इधर चुनाव के बाद हम जेल जा भी नहीं पाए थे मुलाकात करने। तुमको मालूम हुआ होगा कि हम बीमार हैं तो आज देखने भी आए थे और जेल पड़ोस में है तो वैसे ही निकलना था जी जी मुलाकात करते हुए। सीतापुर जिला कारागार में जब अब्दुल्ला आजम थे उसके बाद रिहाई हुई, वो भी आपके पास आए थे और आजम खान भी आज आपके से मुलाकात करके आए हैं, तो बड़ा घनिष्ठ रिश्ता समझ में आ रहा है, क्या कहेंगे? घनिष्ठ क्या है, इसे देखिए हमारा पड़ोस में मकान है जेल के और यहाँ पर जैसे उनके परिवार का कोई भी रिश्तेदार आया या बेटा आया या बहू आई तो अब दो घंटे जैसे वहाँ पर 10 बजे पर्ची लगती थी जेल की मुलाकात और मुलाकात 1 बजे होती थी तो 3 घंटे जो बिताने होते थे तो 3 घंटे वो यहीं बिताते थे। तो परिवार साथ रहना, घुलना मिलना, खाना पानी ये सब होते हुए अटैचमेंट एक जो है वो होता गया, पारिवारिक अटैचमेंट होता गया। जो भी बहन आई, उनकी साली आई, तो जो भी आया तो वहाँ पर जाके बताते होंगे भाई कहाँ पर रुके, इतनी देर क्या हुआ, तो यह परिवार के साथ पर रुके, यहाँ पर रुके, नाश्ता पानी पिलाया, खराया खाना खिलाया, तो ये एक अटैचमेंट होता तो ये उनको परवाह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।